नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो दोस्तों, मादा जनन तंत्र क्या है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? इसके अंदर अंडाशय, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर ये दो अंडाशय दिखाई दे रहे हैं आपको। एक गर्भाशय है जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं, एक है दो अंडवाहिनियाँ होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, और एक होती है वेजाइना यानी कि योनि। अब दोस्तों, ये हमारा मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। मादा जनन तंत्र यानी कि मादा के अंदर होता है, क्योंकि मनुष्य द्विलिंगी प्राणी है, यानी कि नर का जनन तंत्र नर के अंदर होता है, जबकि मादा जनन तंत्र मादा के शरीर के में होता है। तो दोस्तों, मादा जनन तंत्र के अंदर ये चारों अंग होते हैं, और ये जो अंडाशय जो दिखाई दे रहा है, इस अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि जो अपरिपक्व यानी कि अपरिपक्व जो अंडाणु होते हैं वो 13 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, परिपक्व होने लग जाते हैं। प्रत्येक महावारी के बाद एक अंडाशय से रिलीज होता है और निषेचन प्रक्रिया के में भाग लेता है। अब बात करते हैं अंडाशय। तो अंडाशय एक जोड़ी होता है, उदर गुहा में स्थित होता है, और यही अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, उन हार्मोन की बात करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि मादाओं के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर से जैसे स्तनों का विकास, आवाज का पतला होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सारे लक्षण एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण होते हैं। अब बात करते हैं कुछ हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, और भ्रूण गर्भाशय से इस हार्मोन के कारण जुड़ा हुआ रहता है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है महावारी को कंट्रोल करता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये प्रसव पीड़ा को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जब प्रसव होता है तो उस समय जो रिलैक्सिन हार्मोन जो प्यूबिक सिंपैसिस को शिथिलित कर देता है, ताकि प्रसव जो है वो आसानी से हो जाए और महिला को दर्द नहीं हो। अब दोस्तों, जो यहाँ जो वेजाइना में यानी कि इस सीमेन जो होता है उसको छोड़ा जाता है, उस सीमेन के अंदर लाखों शुक्राणु होते हैं, और ओवरी से एक ही अंडाणु रिलीज होता है। अब ये जो शुक्राणु है ऊपर की ओर, शुक्राणु जो होते हैं मोटाइल होते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं। ये शुक्राणु गति करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और यहाँ क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु यानी कि जो शुक्राणु है अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। तो दोस्तों, निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन स्थल है अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है। और मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन आंतरिक निषेचन होता है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ जीवों में बाह्य निषेचन भी होता है, यानी कि जो अंडाणु और शुक्राणु मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं, जैसे तारा मछली है मेंढक है, इनके अंदर। तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि फेलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में यहाँ क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। तो दोस्तों, नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक कौन होते हैं, अंडाणु। दोनों कहाँ मिलते हैं, अंडवाहिनी में, यानी कि निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद जो कोशिका है ये दोनों अगुणित होते हैं, यानी कि नर युग्मक भी अगुणित होता है और मादा युग्मक भी अगुणित होता है। जब दोनों का सम्मेलन होता है यानी कि निषेचन होता है, तो जो कोशिका बनती है, युग्मनज जो बनती है, वो 2N होती है यानी कि द्विगुणित होती है। यानी कि निषेचन के उपरांत बनने वाली कोशिका जायगोट कहलाती है, यानी कि युग्मनज कहलाती है, और ये द्विगुणित होती है। इस प्रक्रिया में जो मनुष्य में जो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वापस बने रह जाते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र नर युग्मक में यानी कि शुक्राणु में, और 23 गुणसूत्र मादा युग्मक यानी कि अंडाणु में। जब दोनों मिलेंगे तो वापस से पुनः जो गुणसूत्र की संख्या 46 हो जाती है, यानी कि युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब बात करते हैं जो युग्मनज जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। अब आगे जाके क्या होता है, उसके अंदर कोशिका विभाजन होने लग जाता है और वो अनेक कोशिकीय स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण आगे जाके फीटस बना लेता है, और फीटस के अंदर विभिन्न अंगों की पहचान होने
लग जाती है। और भ्रूण जो है वो 9 महीने के बाद क्या हो जाता है, शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। और रिलैक्सिन जो हार्मोन है प्रसव के समय स्त्रावित होता है या रिलीज होता है, और यह प्रसव पीड़ा को कम कर देता है और प्रसव होने में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जबकि दो अंडवाहिनियाँ होती हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है और एक जो गर्भाशय होता है। इस गर्भाशय में ही ये जो भ्रूण है यहाँ आके चिपक जाता है, यानी कि भ्रूण जो है यहाँ आके गर्भाशय से चिपक जाता है। और ये जो भ्रूण जिस संरचना द्वारा गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है उस संरचना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों प्लेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेजेंटा, या इसको हिंदी में अपरा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेजेंटा है ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है, उसका नाम है ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन, यानी कि HCG हार्मोन, ठीक है। तो ये जो प्लेजेंटा है, प्लेजेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण अपनी माता से पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है। तो प्लेजेंटा ऐसी संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण माता से पोषक पदार्थ लेता है। और जब 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होता है तो इस प्लेजेंटा अलग हो जाता है, और प्लेजेंटा जब अलग हो जाता है तो जो भ्रूण है उस वह शिशु के रूप में तब्दील हो जाता है और माता से पृथक हो जाता है। अब इस प्लेजेंटा की कटिंग कर दी जाती है, नाल काट दिया जाता है और भ्रूण अपनी माता से पृथक हो जाता है। अब दोस्तों लाखों शुक्राणु होते हैं लेकिन जनन प्रक्रिया में केवल एक ही शुक्राणु भाग लेता है, यानी कि इस तरह से अनेक सारे शुक्राणु आते हैं लेकिन जनन प्रक्रिया में केवल एक ही शुक्राणु भाग लेता है, यानी कि एक शुक्राणु ही जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। तो जब युग्मनज बन जाता है तो ये जो युग्मनज है ये विदलित हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में बढ़ जाता है। जब युग्मनज दो पार्ट में बढ़ जाता है तब क्या होता है, जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। और दो जो शिशु होते हैं, क्योंकि एक ही युग्मनज से बने तो उनकी शक्ल क्या होगी, समान होगी, यानी कि उन जुड़वा बच्चों को हम क्या कहेंगे, यानी कि एक जैसी शक्ल वाले, यानी कि उनकी शक्ल एक जैसी। कभी कभी क्या होता है, जो अंडाणु हैं वो दो रिलीज हो जाते हैं, जब दो अंडाणु रिलीज होंगे तब भी जुड़वा बच्चे होंगे लेकिन जो उनकी शक्ल जो होगी वो थोड़ी थोड़ी पृथक होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी कि अगर एक ही युग्मनज से दो बच्चे हो रहे हैं, यानी कि इसका विदलन होता है, तो जुड़वा बच्चे तो होते हैं लेकिन उनकी शक्ल क्या होती है, एक जैसी होती है। जब दो अंडाणु रिलीज होते हैं तब उनकी जो शक्ल है वो अलग अलग होगी, यानी कि उनमें थोड़ा वेरिएशन होगा या विभिन्नताएँ होगी। तो दोस्तों इस टॉपिक से हमें क्या मिला, कुछ जानकारी मिली कि मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र यानी कि मादा के अंदर होता है और ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, इसके अंदर अंडाणु अंडाशय के अंदर बनते हैं, जबकि फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है, गर्भाशय में गर्भ ठहरता है और यहाँ भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन होता है विभिन्न कोशिकीय संरचनाओं में। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वेजाइना यानी कि योनि है, ये ग्रीवा है, ये गर्भाशय है और ये अंडाशय है और ये है अंडवाहिनी। और देखिए जब हमें मान लीजिए आगे बच्चे नहीं चाहिए तो उस समय क्या कराते हैं, अपन ऑपरेशन कराते हैं महिलाओं का। तो ऑपरेशन में क्या करते हैं डॉक्टर, ये जो अंडवाहिनी है इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो अंडवाहिनी को जब बांध देते हैं या इसकी कटिंग कर दी जाती है तो दोस्तों अंडवाहिनी की कटिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी। ये याद रखना है, अंडवाहिनी की ये जो ऑपरेशन है ये क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। ट्यूबेक्टोमी कहलाती है किसके अंदर, मादा के अंदर। जबकि नर के अंदर जब वासा एफिडस को काटा जाता है तो उसको वेसक्टोमी कहते हैं, जबकि मादाओं के अंदर अंडवाहिनी की कटिंग की जाती है, अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा, आपने देखा, धन्यवाद।